दोस्तों, यदि आप अपने मोबाइल में योनो एसबीआई एप्लीकेशन का यूज करते हैं तो आप चाहें तो योनो एसबीआई के अंदर एसबीआई बैंक अकाउंट के अलावा किसी भी बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, यानी एसबीआई के अलावा किसी और भी बैंक में आपका अकाउंट है तो आप चाहें तो उस बैंक अकाउंट को भी योनो एसबीआई में लिंक कर सकते हैं, और लिंक करने के साथ साथ उस बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं। और केवल बैलेंस ही नहीं, आप चाहें तो उस दूसरे वाले बैंक अकाउंट से किसी भी तरीके का पेमेंट भी कर सकते हैं। तो इसे कैसे करना है, आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम अपने मोबाइल में योनो एसबीआई एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे और उसमें एम पिन डालकर लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, योनो एसबीआई एप्लीकेशन में लॉगिन करने के बाद इसके डैशबोर्ड पे यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा योनो पे, इसमें क्लिक करेंगे तो योनो पे में भी बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिनमें से यहाँ दिया है यूपीआई, इसमें क्लिक करेंगे। यदि आपने अभी तक योनो एसबीआई के अंदर यूपीआई आईडी क्रिएट नहीं किया है तो इसके ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। योनो एसबीआई में यूपीआई आईडी का डैशबोर्ड कुछ इस तरह का दिखाई देता है। सबसे ऊपर में अकाउंट होल्डर का नाम दिखाई देगा और इसके बगल में प्रोफाइल। यदि हम इस प्रोफाइल पे इस तरीके क्लिक करते हैं तो सबसे ऊपर में हमारे बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिखाई देगा, यह है यूपीआई आईडी नंबर, यहाँ दिया है क्यूआर कोड। हम चाहें तो इस क्यूआर कोड को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ शेयर कर सकते हैं और किसी से इस क्यूआर कोड पे पैसे मंगा सकते हैं। ठीक है, यदि हम पेज को ऊपर खिसकाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा केवल एक ही बैंक अकाउंट शो हो रहा है जो कि एसबीआई का है। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, एसबीआई बैंक अकाउंट के अलावा किसी और बैंक अकाउंट को यहाँ पे ऐड करना है। तो इसके लिए यहाँ देखिए नीचे में तीन ऑप्शन दिए हैं, मैनेज यूपीआई आईडी, और दूसरे नंबर दिया है यानी बीच में दिया है ऐड बैंक अकाउंट, इसमें क्लिक करेंगे तो जितने भी बैंक होंगे उस सभी बैंकों का नाम यहाँ पे शो हो जाएगा। पहला है एसबीआई, उसके बाद है आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ से एचडीएफसी बैंक को सिलेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान देना है कि जो मोबाइल नंबर आपका एसबीआई अकाउंट में लिंक है सेम वही मोबाइल नंबर दूसरे बैंक अकाउंट में भी लिंक होना चाहिए, तभी आप उस बैंक अकाउंट को यहाँ पे लिंक कर सकते हैं और लिंक करने के साथ साथ उस बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं, इसके साथ ही साथ पेमेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक एचडीएफसी का बैंक अकाउंट आ चुका है, हम इस तरीके से इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा गया कंग्रेचुलेशंस एचडीएफसी बैंक एडेड, यहाँ दिया है मेक पेमेंट और नीचे दिया है बैक टू प्रोफाइल। तो हम क्या करेंगे, इस बैक टू प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। तो अब आप देखिए पहले केवल एसबीआई का अकाउंट था, अभी एक और बैंक अकाउंट हो गया है जो कि एचडीएफसी बैंक का। और जैसे हमने यहाँ पे एचडीएफसी बैंक अकाउंट को ऐड किया तो ये ऑटोमेटिक प्राइमरी अकाउंट बन गया। ठीक है, यानी इसी बैंक अकाउंट से हम किसी के पास पैसे ट्रांसफर करेंगे और जो भी व्यक्ति इस क्यूआर कोड के जरिए हमारे पास पैसे ट्रांसफर करेगा हमारे इसी बैंक अकाउंट में पैसे ऐड होंगे। ठीक है, चलिए एक और बैंक अकाउंट ऐड कर लेते हैं। तो फिर से हम ऐड अकाउंट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और अब की बार हम करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा को। तो बैंक ऑफ बड़ौदा को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा ये मोबाइल नंबर बैंक ऑफ बड़ौदा के दो अकाउंट के साथ लिंक है जो कि दोनों यहाँ पे आ चुका है। तो देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब फिर से हम बैक टू प्रोफाइल इस पर क्लिक करेंगे। अभी बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट हमारा प्राइमरी अकाउंट बन चुका है। तो जैसे कि मान लीजिए हमें एचडीएफसी बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक करना है तो ये जो साइड में एरो दिया है इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और ऑप्शन खुल जाएंगे जिनमें से यहाँ पे एक ऑप्शन है चेक बैलेंस, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम हाँ इसमें डालेंगे यूपीआई पिन। यूपीआई पिन डालकर राइट के निशान पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे एचडीएफसी बैंक अकाउंट का बैलेंस आ चुका है। चलिए यहाँ से बैक करते हैं। अब एक बार बैंक का बड़ौदा चेक करते हैं तो प्राइमरी वैल्यू का हम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ दिया चेक बैलेंस, इस पर क्लिक करेंगे और फिर से हम डालेंगे यूपीआई पिन, उसके बाद राइट के निशान पे क्लिक करेंगे। तो देखिए हमारे इस बैंक ऑफ बड़ौदा का बैलेंस भी यहाँ पे आ चुका है 1378 रुपये 2 पैसा। चलिए बैक करते हैं, ये तो हो गया बैंक बैलेंस। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बैक करते हैं। और पेमेंट हम यहाँ से कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि कॉन्टैक्ट के जरिए, बैंक अकाउंट के जरिए, यूपीआई आईडी के जरिए पैसे के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और यहाँ एक ऑप्शन दिया है स्कैन एंड पे, यदि हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे मोबाइल का कैमरा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। मेरे पास एक क्यूआर कोड है तो उसे मैं ले लेता हूँ और स्कैन करता हूँ। देखिए जैसे हमने क्यूआर कोड स्कैन किया, ये क्यूआर कोड जिसका भी होगा उसका नाम यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। दरअसल क्या है कि ये क्यूआर कोड भी मेरे ही नाम से है,
तो आप लोगों को दिखाने के लिए केवल मैं यहाँ पे 5 रुपया ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसका पेमेंट हमें कौन से बैंक अकाउंट से करना है वो यहाँ पे दिया हुआ है। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट से हो रहा है, हम चाहें तो इसके अलावा किसी और भी बैंक अकाउंट से इसका पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ दिया है चेंज अकाउंट, यदि इस पर क्लिक करेंगे तो हमने यहाँ पर जितने भी बैंक अकाउंट को ऐड किया होगा उस सभी बैंक अकाउंट यहाँ पर शो हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए मुझे HDFC बैंक से इसका पेमेंट करना है, तो मैं इसे इस तरीके से सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद नीचे से पे पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम डालेंगे UPI पिन, UPI पिन डालकर राइट के निशान पे क्लिक करेंगे, थोड़ी देर इंतजार करेंगे। देखिए पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है, देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग भी योनो SBI के अंदर SBI के अलावा किसी भी बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद उस बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं, और बैलेंस चेक करने के साथ साथ उस बैंक अकाउंट से पैसे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और ज्ञान वाली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।